हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम दही जमाने का एकदम यूनिक और नया तरीका आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी नहीं है, आज हम आपको दही जमाएंगे। तो कैसे हम दही घर में जमाते हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से घर में दही जमा करके खा सकते हैं शुद्ध, और बच्चों को भी इसी तरीके से आप खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जमता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसी तरीके से सभी जमाते होंगे, हम तो इसी तरीके से जमाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ 1 किलो ये दूध लिया था। तो देखिए, दूध को हम अच्छे से बॉइल कर लेंगे पहले, और इसमें हमने देखिए थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ 1 किलो दूध लिया है, तो इसका हम पूरे का दही नहीं जमाएंगे, इसमें से हम थोड़ा सा दूध लेंगे, उसी का हम इसमें दही जमाएंगे। तो बाकी का जो दूध बचेगा ना, उसको बच्चे पी लेंगे, तो इसलिए हम इसका पूरा दूध का दही नहीं जमाएंगे। तो ये देखिए, पहले दूध को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद देखिए ये हमने इसको थोड़ा सा दूध ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो जब ये अच्छे से ठंडा होगा ना, उसके बाद ही हमें इसका दही जमाना है। तो हल्का गर्म होना चाहिए दूध, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो चलिए हम इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ देख पा रही हूँ, ये हमने दूध लिया है, देखिए इस तरीके से अभी दूध गर्म है, तो इसको और हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसका दही जमाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो है और अच्छे से आपके समझ में आएगा। आप इस तरीके से दही जमाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दूध को हमने यहाँ अच्छे से ठंडा कर लिया। तो चलिए अब जिस भी बर्तन में आप दही जमाना चाहें, उस बर्तन में दूध को डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके का एक बर्तन लिया है, और इसमें देखिए ये हमने दूध को डाल दिया है दूध में। अब देखिए, हमने दूध को बर्तन में डाल दिया, उसके बाद हमें डाल देना इसमें थोड़ी सी, देखिए ये हमने इसमें थोड़ी सी वो डाल दी है, छाछ मठा दही आपके पास जो भी हो आप वो इसमें डाल दी। तो देखिए, ये हमने इस बर्तन में डाल दिया, अब इसको हम ढक करके जमाने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसको अब हम जमा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दही को हमें उस बर्तन में रखना है जिसमें आप आटा रखते हैं ना। तो देखिए, यहाँ हमने आटे किए। तो ये देखिए, दही जमाने के लिए दूध को हमने देखिए आटे की बाल्टी में रख दिया। इसको अब हम ढक देते हैं, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ये ढक्कन, उसके ऊपर हमने लगा दिया ये ढक्कन। अब चलिए आपको इसका रिजल्ट सुबह दिखाएंगे, दही हमारा कितना अच्छे से जमा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह मिलते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में हम अब दही को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने दही को निकाल लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये दही को देख सकते हैं कितना गाढ़ा, देखिए ये हमारा दही देखिए जम करके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितना गाढ़ा दही, इसमें हमने पानी भी डाला था दूध में, लेकिन देखिए फिर भी कितना गाढ़ा ये दही जमा है। तो इसी प्रोसेस से अगर आप भी दही जमाएंगे ना, तो आपका भी दही इतना ही अच्छा दही जम करके तैयार होगा। इसके साथ आप कोई भी रायता या फिर ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।